कोरोना से जंग की तैयारियों के बीच सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक गंभीर मरीज की जान आधा घंटे से अधिक समय तक हलक में अटकी रही। ऑक्सीजन सप्लाई लाइन ब्रेक होने से मरीज की सांसें सांसत में फंसी रही। जिला अस्पताल सतना के आईसीयू वार्ड के सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में शुक्रवार को देर रात आई खराबी ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए मरीज लखन वंशकार की सांसों को संशय में डाल दिया। गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए लखन वंशकार को उस वक्त आईसीयू में भर्ती किया गया था जिस वक्त कोरोना की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल चल रही थी। मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर SP तिवारी ने तब CPR देकर उसकी जान बचाई थी और आईसीयू में उसका इलाज शुरू किया। शुक्रवार की रात आईसीयू वार्ड के जिस बेड पर लखन भर्ती था उस बेड को सेंटर सप्लाई लाइन से मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई अचानक ब्रेक हो गई। दीवार पर लगे पॉइंट से उसका पाइप बाहर निकल आया और गैस का रिसाव शुरू हो गया। यह देखकर मरीज के परिजनों और वार्ड में मौजूद स्टाफ में हड़कंप मच गया। नर्स और अन्य तमाम लोग पाइप को पॉइंट से जोड़ने की कोशिश में लग गए लेकिन ऑक्सीजन का फ्लो तेज होने के कारण बार बार पाइप बाहर निकलता रहा। इसकी सूचना सिविल सर्जन को देकर तकनीकी स्टाफ को भेजने के लिए कहा लेकिन कोई नहीं पहुंचा। उधर CPR के जरिए मरीज की जान बचाएगी। मरीज बेड पर बिना ऑक्सीजन पड़ा रहा और नर्स तथा मरीजों के परिजन पाइप को कनेक्ट करने की कोशिश लगातार करते रहे। लगभग आधा घंटे तक चली जुगाड़ की कोशिश के बीच एक वार्ड बॉय संकट मोचक बनकर पहुंचा और उसने किसी तरह सर्जिकल टेप लगाकर पाइप को बोर्ड पर बने पॉइंट से कनेक्ट किया।